subscribe to our channel SinTV HD Cooking Show and press the bell icon for the latest updates. अस्सलाम वालेकुम नाज़िम, मैं शेफ फैसल तानी सोफिया कुकिंग शो। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जब रेसिपी टाइम पर तुम्हारी फरमाइशों के मुताबिक अज मैं टाइम पर मज़ेदार रेसिपी जमें होंगे पास्ता। पास्ता की काफ़ी सारी वैरायटी ठंड सिखारा पे, काफ़ी सारा खादा तक ठंड सिखारा है। पास्ता की भी फरमाइश अचे पी तो इबारन के लिए भी सुठी है, तुम भी खाई सो डिफरेंट फ्लेवर्स में। शारजा कुकिंग ऑयल से ठाईंदा खादा, वाइटमिन ए एन डी का भरपूर, लो कोलेस्ट्रॉल ऑयल, लो कोलेस्ट्रॉल बनस्पति घी, ओमेगा 3 मौजूद है, हर जगह अवेलेबल है। अज अस ठाईंदी वाइट सॉस में पास्ता ठाईंदी, एक ठाईंदी तंदूरी पास्ता, एक ठाईंदी नॉर्मल वेजिटेबल स्पाइसी पास्ता। टई रेसिपी सुबह जो यारह लगे रिपीट रही, स्क्रीन पर नंबर हल पे कॉल कर पुछी सो। अज कम रेसिपी बनाई है शारजा कुकिंग ऑयल, शारजा बनस्पति घी, वाइटामिन ए और डी से भरपूर, लो कोलेस्ट्रॉल ऑयल और घी है, उसके साथ ओमेगा 3 इसमें मौजूद है। और जो रेसिपीज बनाते आ रहे हैं काफ़ी सारी आप लोग के लिए, लेकिन आज मैंने सोचा कि सिर्फ पास्ता बनाते हैं डिफरेंट किस्म के, क्योंकि इसकी फरमाइश आती है और ये हमारे यूजेज में भी होते हैं, बच्चे भी शौक से खाते हैं। तो वाइट सॉस में पास्ता बनाएंगे, चिकन वाइट पास्ता वाइट सॉस के साथ बनेगा, बड़ा मज़ेदार क्रीमी सा। और उसके साथ सेकंड रेसिपी जो मेरी है वो है तंदूरी पास्ता, तंदूरी फ्लेवर के साथ पास्ता बनाएंगे और एक नॉर्मल वेजिटेबल पास्ता बनेगा जो हम चिकन के साथ बनाते हैं। सुबह 11 बजे रिपीट चलेगा कुकिंग विद शेफ, मेरा पेज है, वहाँ रेसिपी अपलोड हो जाती है और स्क्रीन पर नंबर चल रहा है। कोई फरमाइश करनी हो, कोई पूछना हो, पूछ सकते हैं। किचन में हलूँ था, रेसिपी स्टार्ट कर अज बुध टाइम एतो ना है, रेसिपी में टे खी आयो है, तो उन हिसाब से सोचा पो कि जल्दी जल्दी रेसिपी तक बुधाइंदा हूँ। ठीक है, पानी बॉयल थे पो, पानी बॉयल करण जो मकसद यो है कि पास्ता पे का बॉयल कर को रखा ताकि तीसी सको। ठीक है, पानी बॉयल हो रहा है, पास्ता मैंने पहले से बॉयल नहीं किया क्योंकि मैं चाह रहा था आप लोग के सामने इसको बॉयल करें। कोई भी शेप में आप ले लें, ठीक है, ये पेनी शेप है, जैसे बच्चों की स्लेंटी हम खाते हैं, बच्चे खाते हैं वो शेप है। ठीक है, पास्ता पेनी शेप में है, जो भी आप शेप आपको अच्छा लगे वो ले लें। डेढ़ पैकेट में यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन एक रेसिपी हाफ पैकेट की होगी। ठीक है, एक रेसिपी हाफ पैकेट की होगी, अगर आप फुल पैकेट बनाएंगी तो हर चीज़ आपने डबल कर लेनी है। ठीक है, ये डेढ़ पैकेट है, तीन रेसिपियाँ इसमें से बनेंगी। ठीक है, डेढ़ पैकेट खाए हुआ, अद्ध पैकेट जो है तुम वो यूज़ कंदा हो एकड़ी रेसिपी में। ठीक है, तो ये डेढ़ पैकेट है, तो टे रेसिपी में डेढ़ पैकेट असा यूज़ कंदासी। इतने पानी काफ़ी सारो बॉयल थे पो, पानी जब बॉयल होने लगेगा तो इसमें हम डाल देंगे सॉल्ट हाफ टी स्पून, ज़्यादा नहीं। ठीक है, हाफ टी स्पून सॉल्ट डाल दिया। शारजा कुकिंग ऑयल में इसमें डालूंगा 2 टेबल स्पून, बखाने से चमचा शारजा कुकिंग ऑयल, 2 टेबल स्पून शारजा कुकिंग ऑयल डाल दिया। ऑयल डालने का मकसद ये है कि इसमें शाइनिंग आएगी और चिपकेंगी नहीं आपस में। फुल आँच पे इसको बॉयल कर रहे हैं, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम फैजल भाई, वो आपने चिकन निहारी बताई थी ना कल? जी आपने कल परसों बनाई थी चिकन निहारी? कल बनाई थी, कल मैंने चिकन निहारी बनाई थी। जी, तो आपने उसमें प्याज का नहीं बताया, प्याज का इस्तेमाल नहीं? इसमें निहारी में प्याज नहीं डलता है। अच्छा अच्छा, मैं कंफ्यूज हो रही थी कि प्याज के लिए। नहीं नहीं, ना प्याज डलता है, ना दही डलती है, ना इसमें है ना टमाटर डलता है। अच्छा अच्छा, सही सही। अच्छा सर भाई, ये जी आप दो दफा रिपीट कराते हैं ना सिंधी में, उर्दू में भी बता दिया करें, समझ में नहीं आता कुछ कुछ लफ्ज। मैं तो बार बार उर्दू में, मैं अब बताए ज्यादा तो मैं उर्दू बोलने लगा हूँ, सिंधी में कभी कभी वो मसाले नहीं समझ में आते हैं। नहीं नहीं, मैं उर्दू में भी डिटेल में बताता हूँ, सिंधी में भी डिटेल में बता रहा होता हूँ। अच्छा बिल्कुल, आप नोट करते जाए, मैं बार बार रिपीट कराता रहूंगा। ठीक है, अच्छा थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, यहाँ पे हमारा पास्ता हो रहा है बॉयल। ठीक है, पास्ता हमारा बॉयल हो रहा है, पानी ज़्यादा लें ताकि खुला पानी हो, तो उसमें बॉयल करेंगे। हाफ टी स्पून मैंने इसमें सॉल्ट डाल दिया, 2 टेबल स्पून शारजा कुकिंग ऑयल डाल दिया, पानी में अच्छी बॉयलिंग आ जाए, देन आपने इसे पास्ता के डेढ़ पैकेट डाला है। फिर बता रहा हूँ हाफ हाफ पैकेट की एक रेसिपी है, ठीक है, आप समझें हाफ पैकेट डालेंगी, डेढ़ पैकेट विधो आई बॉयल थे पे। हाँ असा छा कंदासी ते मैरिनेशन कंदासी, वैसे तो हम बॉल में करते हैं, ठीक है, मैरिनेशन 2 पोर्शन कर रहा हूँ, इसमें से भी एक पाव चिकन, आधा पैकेट के लिए एक पाव चिकन काफ़ी है। ठीक है, एक पाव चिकन सीने का पीस ले लें और उसकी आपने कर लेनी है जूलियन कटिंग। ठीक है, ये करवा लें, इस तरह के पार्चे बनवा लें। एक पाव बोनलेस चिकन आ है, हिंजा पार्चा करें, चले कॉल भी उठूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, ठीक है हो? बिल्कुल ठीक ठाक, कह रहे हैं कि थंग लाओ प्या जी, जी ओजरी में बिरयानी
ना अदी मुखे नथी अचे सॉरी ओके जी अल्लाह हाफिज़ केड़ा केड़ा तुम सवाल कंदा हो पर पान हैरान थींदो आ एक फॉर्म ने लेनी है चिकन ठीक है उसको बोनलेस ले लें बगैर हड्डी के बोटियां बना लें ये पेनी शेप है लंबी वाली होंगी तो इसके हिसाब से आपने जूलियन कटिंग कर लेनी है ठीक है इसमें एक चाय का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट चला गया एक चाय का चम्मच धनिया पाउडर चला गया ठीक है एक चाय का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च चली गई कुटी हुई लाल मिर्च आधा चाय का चम्मच ठीक है उसके साथ गरम मसाला पाउडर आधा चाय का चम्मच ये मैं बना रहा हूँ नॉर्मल जो वेजिटेबल चिकन पास्ता बन रहा है ठीक है इसके बाद मैं इसमें क्या डालूंगा इसमें मैं डालूंगा चिली सॉस एक चाय का चम्मच सादा वाला जो हम चाइनीज में यूज करते हैं ठीक है सोया सॉस दो चाय के चम्मच उसके साथ सफेद सिरका दो चाय के चम्मच ठीक है और नमक इसमें जाएगा हाफ टी स्पून आधा चाय का चम्मच इसको हम करेंगे मैरिनेट अफशा है कराची से अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई कैसे हैं आप वालेकुम अस्सलाम मैं ठीक ठाक आप कैसी हैं मैं खैरियत से हूं जी कुछ कहना चाहेंगी फैसल मैं फरमाइश करनी थी आपसे बिल्कुल कीजिए मुझे गलावट का कीमा और खीर सिखा दें गलावट का कीमा और खीर खीर मीठा खीर जो खीर तो दो तीन दफा बन चुकी है लास्ट मंथ में बनाई थी एक दफा और सिखा दें ठीक है मैं सिखा दूंगा लेकिन गलावट का कीमा मैं जल्दी बना दूंगा खीर मैं आपको वर्बली बता देता हूँ ठीक है आप खुद ही बना जी थैंक यू थैंक यू अल्लाह हाफिज़ अच्छा इसको हमने पूरे 8 मिनट इसको बॉईल करना है इसकी टाइमिंग होती है नीचे से लगना नहीं चाहिए स्पून चलाते रहें ठीक है नीचे से लगना चाहिए स्पून इतना ज़्यादा नहीं चलाना है कि टूट जाएंगे खुद ब खुद बॉयल होकर बड़ी हो जाएंगी साइज में और सॉफ्ट हो जाएंगी पूरा 7 मिनट आपने इसको बॉयल करना है यहाँ पर मैरिनेटेड चिकन को हम डालेंगे कढ़ाई में दोबारा रिपीट करा रहा हूँ रेसिपी मैंने इसमें क्या क्या डाला है एक पाव चिकन है बोनलेस जूलियन कटिंग की हुई है एक चाय का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट एक चाय का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च आधा चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च एक चाय का चम्मच धनिया पाउडर आधा चाय का चम्मच नमक और आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल दिया ठीक है इसको अच्छी तरह मिक्स कर दिया फिर उसके बाद आपने सोया सॉस इसमें दो चाय के चम्मच सफ़ेद सिरका दो चाय के चम्मच और इसके साथ चिली सॉस जो प्लेन हम चाइनीज़ में डालते हैं वो डाल दिया एक चाय का चम्मच मैरिनेट करने के बाद कढ़ाई में ऑयल डालेंगे 3 टेबल स्पून ठीक है शारजा कुकिंग ऑयल 3 टेबल स्पून जाएगा इसमें ज़्यादा नहीं ऑयल डाल लीजिएगा ठीक है थोड़ा और इसमें पानी वो भी ड्राई कर लूँ अच्छी तरह गरम करें कढ़ाई को इसमें 3 टेबल स्पून हम डालेंगे शारजा कुकिंग ऑयल ठीक है ट्रे खाने से चमचा शारजा कुकिंग ऑयल भी दो पास्ता बॉयल हो रहा है सिर्फ 2 मिनट बाद में इसे निकाल दूंगा ठीक है ये बिल्कुल हमारा हो जाएगा डन अच्छी तरह ऑयल ग्रीस हो गया ये जो मैरिनेटेड चिकन है ये इसमें डाल दिया ठीक है चिकन डाल के इसको फ्राई करेंगे तकरीबन 3-4 मिनट में फ्राई होगा ठीक है अच्छी तरह फ्राई होगा फिर इसमें हमने वेजिटेबल्स डालनी है और ये पास्ता डालना है और इसमें केचप भी जाएगा ठीक है ये बिल्कुल डिफरेंट और मज़ेदार पास्ता है जो हम नॉर्मल वे में पाकिस्तानी तरीके से बनाते हैं वैसे इटालियन होते हैं पास्ता रेसिपीज़ डिफरेंट किस्म की ये पाकिस्तानी तरीका है देसी तरीके से मैं बना रहा हूँ ठीक है और बाकी जो बनाएंगे वाइट सॉस में और तंदूरी पास्ता अच्छा मैं एक छन्नी निकाल दूँ बड़ी ठीक है एक बड़ी स्ट्रेनर ले लेते हैं जिसमें हमने पास्ता पूरा निकाल देना ये मैं यहाँ पर रख रहा हूँ और ये हमारा हो गया पास्ता बॉयल इसको मैं निकाल लूँगा ठीक है चिकन को एक दफ़ा घुमा लेता हूँ और इसको हम कर देंगे कवर चिकन को घुमाने के बाद इसमें पानी नहीं जाएगा चिकन को हम कर देंगे कवर ताकि चिकन हमारा पकता रहे और यहाँ पे जो पास्ता बॉयल हुआ था पूरा 7 से 8 मिनट इसको एक छन्नी में स्ट्रेनर में आपने डाल देना है ठीक है मैंने छन्नी में डाल दिया स्ट्रेनर में डालने के बाद जो इसमें रह जाए वो भी निकाल लें ठीक है सारा पास्ता मैंने निकाल लिया और इसके ऊपर हमने डाल देना है ठंडा पानी अली भाई ये दिखाइएगा इसके ऊपर हमने डालना है ठंडा पानी ठीक है इसके ऊपर हमने डालना है ठंडा पानी फौरन जो टैप वाटर होता है पानी डालने से क्या होगा कि ये चिपकेंगी नहीं ठीक है जेको असां छाणी में कटी छड़ी हुई है इनके मथा चंगी तरह थदो पानी विझी छो पानी विझण का छा थींदो इन खां पोइ में चमचो हलाईंदासीं चमचा चलाना है स्पून चलाएं ताकि इसमें से हीट निकल जाए इसके बाद हम डालेंगे इसके ऊपर शारजा कुकिंग ऑयल कितना डालूंगा शारजा कुकिंग ऑयल मैं डालूंगा इसमें 4 टेबल स्पून ठीक है 4 टेबल स्पून शारजा कुकिंग ऑयल डालूंगा ज़्यादा है आपके पास हाफ पैकेट होगा तो आपने 2 टेबल स्पून डालना है ऑयल डालने के बाद इसको
अच्छी तरह मिक्स करें, इससे क्या होगा कि पास्ता आपका चिपकेगा नहीं, ठीक है। ये देखें इस तरह हो जाता है, ये चिपकेगा नहीं और मज़ेदार ये बनेगा, बिल्कुल चिपकेगा नहीं, ठीक है। ये चिपकन दो ना पास्ता में, माँ ऑयल हनी छोड़ो। अब इसको वहीं छोड़ देते हैं, अब आते हैं हम चिकन की तरफ। कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन हो, कहाँ से बात कर रहे हैं? मां संध्या, उमर कोट मां आदा जी। अदी छा हाल है ताजा? ठीक से ता ठीक है आदा। अल्हम्दुलिल्लाह, दुआओं ता जो। अच्छा आदा, एकड़ी पान है फुल्लो, एकड़े पैकेट दे दे जो आया चिकन है याद पैकेट दे जी। अदी पास्ता जो पूछो पिया जी। जी अदी मां, डेढ़ पैकेट हिन करे यूज करवा के अध पैकेट जी एक रेसिपी ठाएं पर, तो मुझे ट्रे पास्ता, ट्रे की समझा पास्ता ठान का था, अध पैकेट बॉईल का जो, ठीक है जी। जी ए अध वसांगे ने गोल गप्पा से कर जो, गोल गप्पा इंशाल्लाह हने रमजान इंदो तो फोन में सिखा रे वटंदम, ठीक है। ठीक है, ओके जी, अभी थैंक यू, लाफिस। अच्छा यहां पे पास, ये हमारी चिकन हो गई है डन, ठीक है। जब चिकन आपके यहां पे तैयार हो जाएगी, इसमें हम क्या डालेंगे, गाजर चॉप की हुई, फाइन जूलियन कटिंग की हुई गाजर इसमें चली जाएगी एक कप, बंद गोभी जुलियन कटिंग की हुई, ये दोनों पहले डालेंगे वेजिटेबल्स, क्योंकि ये हमारी थोड़ी हार्ड वेजिटेबल है, ठीक है। इसको स्टर फ्राई करेंगे दो मिनट के लिए, ठीक है। इसके बाद हम इसमें क्या डालेंगे, दो मिनट के बाद इसमें जाएगी शिमला मिर्च और बॉयल मटर, ठीक है। ये स्टर फ्राई करेंगे, सबसे पहले सभी का पहली मां छा करो, ट्रे खाने जो चमचा शारजा कुकिंग ऑयल खड़न दो, उनमें चिकन जो मैरिनेट थियल हुई जो मसालन से अगर वो विझी फ्राई का जो कवर कर छो गरी विंदी ट्रे का चार मिनट में, पो इनमें गजर भी थी, शिमला मिर्च भी थी, उन्हें का पो इनमें विझा पे मटर, हाफ कप मटर बॉयल, ठीक है। हाफ कप मटर बॉयल चला गया, हाफ कप मटर डालने के बाद इसमें हम डाल देंगे एक अदद शिमला मिर्च, हाफ कप मटर चला गया, एक अदद शिमला मिर्च चला गया, इसको करेंगे स्टर फ्राई जी। स्टर फ्राई करने के बाद आपने अच्छी तरह वेजिटेबल्स को स्टर फ्राई करना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम डालेंगे टोमेटो केचप, हाफ कप टोमेटो केचप प्लेन वाला, ठीक है। हाफ कप टोमेटो केचप डालेंगे प्लेन वाला, प्लेन टोमेटो केचप डालने से इसमें फ्लेवर आएगा, स्पाइसी वाला नहीं डालिए क्योंकि कुटी लाल मिर्च ऑलरेडी जा चुकी है, गरम मसाला वगैरह हर चीज़ इसमें जा चुका है। अब हमने इसको करना है फ्राई, और ब्रेक का टाइम हो रहा है, ठीक है। ब्रेक तो होता है जो चुल्लो में बंद के यहाँ पे उनका पहुँची जितना पास्ता भी जिनके कंधा से स्टर फ्राई बटो देखिए शॉर्ट ब्रेक। दिल चाहे और क्या, शारजा शारजा बनस्पति घी, शारजा कुकिंग ऑयल, विटामिन ए एंडी का भरपूर, लो कोलेस्ट्रॉल ऑयल आया, लो कोलेस्ट्रॉल घी, ओमेगा 3 मौजूद है, जमे मजेदार खादा ठन पे आज टाइम पे पास्ता डिफरेंट स्टाइल में हियर मजे को स्टार्ट कयो हो, पाकिस्तानी स्टाइल में पास्ता ठायवा, ठीक है। देखो सिंपल मजेदार मसालेदार, ठीक है। ये मैंने पास्ता जो बनाया है शारजा कुकिंग ऑयल के साथ, मजेदार पास्ता, इसमें मैंने जस्ट केचप डाला था, चूल्हा बंद कर दिया था ताकि आप लोग देख सकें। अब हम क्या करेंगे, इसमें हाफ पैकेट बॉयल किया हुआ हम पास्ता डालेंगे, ठीक है। जब आप केचप डाल देंगे उसके दो मिनट बाद, ये बॉयल हुआ हुआ पास्ता मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ, बिल्कुल देखें चिपक नहीं रहा, क्योंकि इसमें ठंडा पानी आपने डाल देना, उसके बाद आपने इसको ऑयल लगा देना, मैंने शारजा कुकिंग ऑयल लगा दिया था, इसको करेंगे स्टर फ्राई, मिक्स करेंगे। ये हाफ पैकेट में तकरीबन 4% आराम से खा लेंगे, ठीक है, 3-4%, फुल पैकेट में 6% के लिए होता है, ये 3 अफराद के लिए होता है हाफ पैकेट। आप इसको ज़्यादा पूरा पैकेट बनाना चाहें तो जितने स्पाइसेस वगैरह हर चीज़ डाली फुल डबल हो जाएंगी, ठीक है। जेके इनमें शयूँ वहीं वहीं ये अध पैकेट के हिसाब से अध पैकेट मुहिम में विधो है, लेकिन जडे तुम फुल पैकेट खाइंदो तो मसाला केचप हर शे चिकन डबल थी वेंदी, ठीक है। इसको 2 मिनट स्टर फ्राई करेंगे, और अब इसमें हम लास्ट में क्या डालेंगे, इसमें हम डालेंगे हरी प्याज फाइन चॉप की हुई, हरी प्याज चली गई फाइन चॉप की हुई, ठीक है। और इसको मिक्स करके फिर हमने निकाल देना, डिश आउट कर देना, सिंपल है मज़ेदार ये रेसिपी। इसको अच्छी तरह मिक्स करें और इसे फिर हम डिश आउट कर लेते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा दम पे नहीं रखना है, बस ये इसी तरह होता है, बस इसको फ्राई करें, कोटिंग इसके ऊपर आ गई है, और इसको हम निकाल देते हैं प्लेटर में। फिर आते हैं सेकेंड रेसिपी पे, ठीक है। असो थी पास्ता चिकन वेजिटेबल पास्ता रेसिपी रिपीट कराया पे, हिन लाइ असां अधु पैकेट कंदासीं बॉयल, ठीक है। अधु पैकेट जॾहिं पास्ता जो बॉयल थी वेंदो त हुन लाइ असां चिकन खणंदासीं हिक पा बारीक जुलियन कटिंग थियल हुई चिकन, हुन में विझंदासीं अदरक थूम जो पेस्ट हिकु चांहि जो चमचो,
पीठल गाढ़ा मिर्च एक चाय जो चमचो, कुटियल गाढ़ा मिर्च अध चाय जो चमचो, गरम मसालो पाउडर अध चाय जो चमचो, लूण अध चाय जो चमचो, पीठल धाणा एक चाय जो चमचो विधो। ठीक है, उन पॉइंट में सिरको विझासी ब चाय जो चमचा, सोया सॉस ब चाय जो चमचा, आ चिली सॉस एक चाय जो चमचो। ठीक है, उन पॉइंट के चंगी तरह मिक्स कजो। मिक्स करने का पॉइंट के टे खाइण जो चमचा शारजा कुकिंग ऑयल गरम कर उनमें माइन के फ्राई कर फ्राई कर कवर कर छो वो फ्राई कर छो। उन बंद गोभी अद कप गजर या एक एक कप कर छो जी तुटी लगे वेजिटेबल उनके विझी थोड़ा फ्राई कजो। शिमला मिर्च विझो एक अदद उन अद कप मटर बॉयल थे विधा हुआ उन केचअप विधो अद कप उनके फ्राई कर बॉयल पास्ता के अंदर विझ छो। ठीक है, रेसिपी रिपीट करा रहा हूँ इसकी। फिर सेकंड रेसिपी पे आते हैं। चिकन वेजिटेबल पास्ता बनाया था, पास्ता को आपने बॉयल करना है 7 मिनट। आधा पैकेट मैंने बॉयल किया था, उसको निकाल के ठंडा पानी डाल दें। उसके बाद आपने इसके ऊपर 2 खाने के चम्मच ऑयल लगा देना है। उसको स्ट्रेनर में रख दें छन्नी में। और उसके बाद आपने क्या करना है, चिकन लेनी है 1 पाव से 1.5 पाव जितनी आपको अच्छी लगे। मैंने 1 पाव चिकन ली थी और उसमें हमने पीसी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च आधा चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, नमक आधा चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर आधा चाय का चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चम्मच। और उसके साथ इसमें मैंने डाल दिया था सिरका सफ़ेद 2 चाय का चम्मच, सोया सॉस 2 चाय का चम्मच। ठीक है, और उसके बाद मैंने इसमें चिली सॉस जो प्लेन वाला हम चाइनीज़ में यूज़ करते हैं वो डाल दिया था 1 चाय का चम्मच। इसको मिक्स करके स्टर फ्राई किया 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल के साथ। स्टर फ्राई करने के बाद आपने क्या करना है, इसमें डाल देनी है बंद गोभी 1 कप जितनी फाइन चॉप की हुई, गाजर 1 कप जितनी फाइन चॉप की हुई डाल दी है। उसको थोड़ा नरम करना है फ्राई करके। उसके बाद 1/2 कप मटर बॉयल डाले थे, 1 अदद शिमला मिर्च फाइन जूलियन कटिंग करके डाला था। थोड़ा फ्राई करने के बाद जो केचप डाल दिया 1/2 कप, मिक्स करें अच्छी तरह। उसके बाद आपकी जो ये पास्ता है बॉयल की हुई ये डाल देना 1/2 पैकेट बॉयल किया हुआ। उसके बाद आपने इसको स्टर फ्राई करना है। हरी प्याज डालनी है इसके अंदर 1/2 कप जितनी, मिक्स करें और इसको डिश आउट कर दें। मज़ेदार गरम गरम चिकन वेजिटेबल पास्ता। जी फरजाना, शाकिर हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? कैसे हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। कहाँ गायब हैं आप? मैं तो गायब नहीं हूँ, आप गायब हैं। आप कल नहीं थी, इतना बड़ा डे था, सबने मिली नगमे और ये कल वो जो है ना लाइट नहीं थी हमारे यहाँ ना। मैं तो समझा आपका, मैं तो समझा मैं तो समझा मीनारे पाकिस्तान गई हुई होंगी। नहीं नहीं मैं क्या हो गया घर में टाइम नहीं मिला, मैं इंतजार देख रही थी आप जब आए थे। मैंने कहा शो नहीं है आपका। नहीं, मैंने कहा या तो वाघा बॉर्डर पे होंगी या वहाँ होंगी। क्यों? मुझे क्या भाग जंग करनी है? नहीं, पाकिस्तान ना पाक फौज, पाकिस्तान के लिए तो जाते ना इंसान जज्बे के लिए। हाँ तो हमने जो है ना वहाँ नहीं चली जाती फिर मैं लाहौर। अच्छा, और क्या हाल है, आप ठीक है? मैं अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक, आप सुनाए। मैं पता है कल लाइट नहीं थी इसलिए मैं समझी शायद आप या तो भाग गए। मैंने इसी वजह से नहीं करी, अगर मुझे पता होता ना कि शो आ रहा है तो मैं कॉल जरूर करती। शो कहाँ मिस कर सकते हैं, इस ऐसे डेज पे तो हम शो मिस ही नहीं करते ना। हाँ नहीं, मैंने मिस कर दिया, लेकिन रिपीट तो नहीं आया फैसल। रिपीट नहीं होता, आज का चलेगा रिपीट मंडे को ना। अच्छा, मैं सुबह उठ गई थी 11 बजे ना, मैंने टीवी लगाया, मैंने कहा चलो देखू शो, लेकिन वो आई नहीं आपका। अच्छा चले ठीक है। मैंने वो बनाया तंदूरी मसाला चिकन, बहुत अच्छा बना था। अच्छा चलें, अच्छी बात है, मैंने देखा भी था, लाइक भी किया आपने। लेकिन उसी घर के मसाले से बनाया था, आपने पहले नहीं बताया था तंदूरी मसाला, वो मैंने बना के रखा हुआ था। जी जी जी, तो वो उसी से ही मैंने बनाया, बहुत अच्छा बना था। चलें ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, आज की रेसिपी देखिएगा। ठीक है, आज की रेसिपी देखिएगा, बहुत सारा ख्याल रखिएगा अपना। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। यहाँ पे मैंने क्या लिया, 2 खाने के चम्मच बटर लिया और उसमें 1 खाने का चम्मच मैंने मैदा डाला। इसको अच्छी तरह इस तरह आपने भूनना है। ठीक है, थोड़ा सा मैदा मैं इसमें और डाल रहा हूँ 1/2 टीस्पून। ठीक है, एक खाने जो चमचो मैदो और 2 खाने जो चमचा मक्खन इनमें विझी चंगी तरह इनके मिक्स कर जो है पची मैंने मैदे जो कच्चोपन ख़त्म थी मैंने। ठीक है, इस तरह मैदा आपने खुरचना है, चिपके ना अच्छी तरह। इसके बाद आपने क्या करना है, इसमें 1 पाव दूध डालना है। ठीक है, 1 पाव दूध डालना है, थोड़ा डालें, इसको स्पून से अच्छी तरह मिक्सअप करें, लम्स इसके ख़त्म करने, ये पेस्ट बनेगा, वाइट सॉस बनेगा। ठीक है, लम्स इसके हमने ख़त्म करने अच्छी तरह चूल्हे से उठा के इस तरह, ताकि ये गुठली ना बने। ठीक है, इनमें गुठली ना ठहे, ये वाइट सॉस ठंड हुआ है। 1 पाव दूध 2 हिस्सों में करके डालें, 3 हिस्सों में करके डालें, चूल्हे से हटा के मिक्स करें और ये अच्छी तरह इसको इसके लम्स ख़त्म कर दें। ठीक है, ये बन गया वाइट सॉस और अब इसमें सीजनिंग करेंगे। ठीक है, इनमें मसाला छाविंदा इसमें हम डालेंगे साइड में रख के, क्योंकि फ़ौरन ये जलना शुरू हो जाता है। हल्की आंच पे आपने वाइट सॉस बनाया,
दो टेबल स्पून आपने इसमें डालना है बटर, वन टेबल स्पून आपने डाल देना है मैदा। इसको अच्छी तरह फ्राई करें हल्की आंच पे, उसके बाद एक पाव दूध डाल दें। ठीक है, ये बन गया वाइट सॉस। और इसमें हमने सीजनिंग करनी है, जिसमें हमने डालनी है ब्लैक पेपर हाफ टी स्पून, आधे चाय चो चमचों कुटियल कारा मिर्च हाफ टी स्पून, और हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च। ठीक है, एक खाने का चम्मच या दो चाय के चम्मच इसमें मैंने डाल दिया चिकन पाउडर। ठीक है, इसको हम करेंगे मिक्स, और थोड़ा सा सॉल्ट जाएगा हाफ टी स्पून से कम। ठीक है, ये छाछा विधो चिकन पाउडर बचाए जो चमचा, कुटियल गाढ़ा मिर्च विझंदासी अध चाय जो चमचो, पीठल कारा मिर्च विझंदासी अध चाय जो चमचो, लूण अध चाय जो चमचे का घट। ये सब शयूं विझी इनके चंगी तरह। ये वाइट सॉस थोड़ा स्पाइसी करके बनाया है, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च और डाल रहा हूँ, बिल्कुल वो स्पाइसी सा मज़ेदार होगा। अच्छी तरह यह मिक्सअप किया, इसके बाद हम डालेंगे बॉयल चिकन। बॉयल चिकन इस तरह जूलियन कटिंग कर लें, उसके बाद इसको बॉयल कर लें। ठीक है, बॉयल चिकन इसमें एक कप चला गया। बॉयल चिकन डाल के इसको करेंगे मिक्स। ठीक है, थोड़ा सा गाढ़ा अगर हो जाता है तो बिल्कुल थोड़ा सा माइनर सा इसमें हमने पानी डाल देना है, टू टेबल स्पून। ठीक है, दो से तीन खाने के चम्मच पानी डाल दें अगर आपको ये लगे एकदम गाढ़ा हो जाए। ठीक है, ये आप पानी डाल सकते हैं, या दूध, अभी दूध मौजूद नहीं तो मैंने पानी डाल दिया, आप दूध डाल दें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर पानी भी थोड़ा सा डाल दिया। ठीक है, इसके बाद हम इसमें डालेंगे पास्ता हाफ पैकेट बॉयल किया हुआ, उसी तरीके से बॉयल किया हुआ है। ठीक है, हाफ हाफ पैकेट की रेसिपी शेयर कर रहा हूँ, ये डाल दिया, इसको करेंगे मिक्स अच्छी तरह। बहुत मज़े का बनेगा वाइट पास्ता वाइट सॉस में, चिकन पास्ता इन वाइट सॉस, इसको करें मिक्स। चीज़ डालना चाहे मोज़रेला चीज़, चेडर चीज़, पामजान चीज़ होती है, जो आपको अच्छी लगे आप इसमें डाल सकती हैं। ठीक है, मैंने चीज़ नहीं डाली क्योंकि महंगी होती है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता चीज़, तो आप ऐसे ही बना के बच्चों को दें, स्कूल के लिए बहुत ही अच्छी ये रेसिपी है। ठीक है, इसके बाद दो मिनट बाद इसमें हम क्या डालेंगे, हरी प्याज थोड़ी सी। ठीक है, इसके बाद हम इसमें डालेंगे शिमला मिर्च के दो तीन पीसेस, ज़्यादा नहीं। ठीक है, बहुत लाइट से फाइन जूलियन फाइन कटिंग चॉप किया हुआ शिमला मिर्च हाफ डाल दें, बहुत ज़्यादा नहीं। ठीक है, सिर्फ शिमला मिर्च डालूंगा और कोई वेजिटेबल इसमें नहीं डलेगी। जी रुखसाना ज़ैदी हम ऐसा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। और आज आपने वैरायटी बना रहे हैं पास्ता की, और ये पास्ता जो है असल में एक तो ये कि बहुत सारे लोग खुश हो गए होंगे ये देखकर। बिल्कुल बिल्कुल, और काफी बच्चियों की मुझे फरमाइश आ रही थी कि सब पास्ता बनाना सिखा दें। हाँ, और आजकल ये भी देख रहे हैं कि जैसे कोई दावत वगैरह होती है तो इसमें पास्ता की डिश जरूर होती है, जरूर होती है और होनी भी चाहिए, और लोग भी इसको पसंद करते हैं, वो उसमें से जरूर खाते हैं पास्ता। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, कल जो आपने वो स्वीट रोल बनाए थे मीठे, वो बहुत ही जबरदस्त थे, बहुत शानदार, ऐसे लग रहा था जैसे मैंने बिल्कुल नई डिफरेंट किस्म की रेसिपी थी, बड़ी मजेदार। अगर हमें दावत हो ना तो आप तो वैसे भी स्वीट डिश कहती है ना, आप बनाती हैं। हाँ, तो आप बना के जरूर रखिएगा ये। जी जी बिल्कुल, ये हमारे लिए एक नया इजाफा हो गया, इंशाल्लाह बनाएंगे, मुझे तो सोचा मैं बनाएंगे इसको बेहतरीन और किसी दावत में ही रखेंगे। जी इंशाल्लाह जरूर जरूर बनाइएगा। चलें ठीक है, थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। थोड़ा सा हरा धनिया, ठीक है, ये पार्सले हो तो पार्सले डाल दें, हरा धनिया डाल दें। ये हमारा हो गया सेकंड पास्ता तैयार। ठीक है, क्विक रेसिपीज हैं, बस पास्ता आपके पास बॉयल हो, चिकन घर में मौजूद हो, वही चीज़ें सारी ऐड करें जो आपके घर में मौजूद होती हैं। ठीक है, चिकन आए, पास्ता थी वही आए, वह पास्ता था सामू माँ कितनी देर में तैयार किया, मुझे 20 मिनट 25 मिनट में। ये देखें वाइट पास्ता, और उसके साथ हमारा हो गया पाकिस्तानी टच में स्पाइसी पास्ता। अब आएंगे हम थर्ड रेसिपी, तंदूरी पास्ता, बड़ा मज़े का बनेगा। तंदूरी मसाला मार्केट में इजीली मिल जाता है, ठीक है, तंदूरी मसाला मार्केट में इजीली मिल जाता है, साशे भी मिलता है, पैकेट भी मिल रहा है, किसी ब्रांड का ले लें। ठीक है, वैसे मैंने बनाना भी सिखाया है तंदूरी चिकन, वो मसाला भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए भी हमने जूलियन कटिंग में एक पाव ले लेनी है चिकन, ठीक है, एक पाव चिकन जूलियन कटिंग में, और उसके साथ इसमें क्या डाल देना है हमने, अदरक लहसुन का पेस्ट एक चाय का चम्मच भर के, ठीक है, भर के एक चाय का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, सॉरी तंदूरी मसाला इसमें जाएगा दो चाय के चम्मच भर के, ठीक है, या डेढ़ टेबल स्पून भी कर दें। इसको अच्छी तरह मिक्सअप करें, फिर इसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च हाफ टी स्पून, ये थोड़ा स्पाइसी और मज़ेदार होगा।
हाफ टी स्पून और थोड़ा सा सॉल्ट डालूंगा, दो पिंच, क्योंकि तंदूरी मसाले में सॉल्ट वगैरह हर चीज़ होती है, ठीक है। इसके बाद हम इसमें क्या डालेंगे, शारजा कुकिंग ऑयल 3 टेबल स्पून, 3 खाने चम्मच शारजा कुकिंग ऑयल, 1 पा चिकन जुलियन कटिंग थियल हुजे या बूटी हुजन, ठीक है, उनमें विझंदासीं अदरक थूम जो पेस्ट 1 चाय जो चम्मच, चिकन तंदूरी मसालो मिली वेंदो आहे, साशे भी मिले तो पैकेट, वो 2 चाय जो चम्मच विझजो या 1.5 टेबल स्पून विझजो, कुटियल गाढ़ा मिर्च 1/2 चाय जो चम्मचो ऐं लूण 2 पिंच विझजो, वधीक ना। इनके चंगी तरह मैरिनेट कंदो, अच्छी तरह मैरिनेट करें, ठीक है। थोड़ा सा और डाल रहा हूँ तंदूरी मसाला, मैरिनेट करें, थोड़ा ये स्पाइसी बनेगा, बहुत मज़ेदार बनेगा। अब इसको आपने करके मैरिनेट रख देना है। अब हमने लेना है एक फ्राइंग पैन या कढ़ाई ले लें, ठीक है। इसमें हमने डालना है 2 खाने के चम्मच अगेन शारजा कुकिंग ऑयल, 2-3 वहाँ डाल दें, 2 चम्मच यहाँ डाल दें, ज़्यादा नहीं, 2 टेबल स्पून। इसमें क्यों डाला है, इसलिए कि 1 अदद प्याज ऑमलेट की तरह चॉप किया हुआ इसके अंदर जाएगा, ठीक है। 1 अदद प्याज दरमियाने साइज़ का ऑमलेट की तरह चॉप किया हुआ ये हम डाल देंगे और इसको करेंगे स्टर फ्राई, ठीक है। डिफरेंट रेसिपी है, मज़ेदार ये रेसिपी है और इसको हम करेंगे स्टर फ्राई, ठीक है, मज़ेदार ये रेसिपी, इसको ज़रूर आपने ट्राई करना है, बिल्कुल डिफरेंट है तंदूरी पास्ता, ठीक है। तंदूरी पास्ता ये बसर जी इनमें नरम थी वो तो अस इनमें विझासी, इनमें ये चिकन विझी इनके कंदी फ्राई, चिकन जैसे असं फ्राई थी वी उनका इनमें शिमला मिर्च वी, शिमला मिर्च विझी इनके अना फ्राई कंदी, उनका पास्ता इनमें विझी मिक्सअप कर इनके दम से रखासी, मज़ेदार तंदूरी पास्ता थी। चिकन टिक्का पास्ता बनाना चाहें तो चिकन टिक्का मसाला आपको मैंने बनाना सिखाया, नहीं तो मार्केट से ले लें, वो भी इसी क्वांटिटी में 2 चाय के चम्मच जितना भर के डालें, अगर उसमें इसको मिक्सअप करके मैरिनेट करके बनाएंगे तो चिकन टिक्का पास्ता बनेगा। स्मोक देना चाहें तो जस्ट आप इसमें मसाले के साथ स्मोक दे दें, फिर पास्ता डालने से पहले स्मोक दे के फिर आप इसमें पास्ता डाल के मिलाएं, ठीक है। अगर इनमें धूनी देनी है, खुशबू लाए, बारबेक्यू जो फ्लेवर देना है, तो वो जैसे तुम चिकन विझी फ्राई कर दो उन्हीं दौरान तुम में चिकन में धूनी दे छो और पास्ता विझो कड़ी कॉल वो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक, तुम बताओ क्या हाल है? अल्लाह शुक्र है। इसमें चिकन डाली, चिकन डाल के इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे मिक्स करके, और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, 2-3 टेबल स्पून पानी डाला ताकि चिकन गल जाएगी, ठीक है। पानी डालने के बाद इसको करेंगे कवर, और कवर करके इसको 5 मिनट हमने हल्की आंच पे छोड़ना है जब तक ये टेंडर हो जाए, ठीक है। 5 मिनट में इनके फ्राई करें, इनके में 3-4 खाने चम्मच पानी भी धोए, हे जैसे ही पानी में गरी वी चिकन, एक शॉर्ट ब्रेक वो ब्रेक का कंटिन्यू करना से। दिल चाहे और क्या, शारजा, शारजा वनस्पति घी, शारजा कुकिंग ऑयल, विटामिन ए और डी से भरपूर, लो कोलेस्ट्रॉल ऑयल है, लो कोलेस्ट्रॉल घी है, मज़ेदार रेसिपीज बन रही है जिसमें हमने बनाया है आज 3 किस्म का पास्ता, चिकन पास्ता है वाइट सॉस के साथ, चिकन तंदूरी पास्ता, देन एक मैंने पहले बना दिया था पाकिस्तानी टच में स्पाइसी चिकन वेजिटेबल पास्ता, ठीक है। ये बच्चों को भी दे सकते हैं, इतना स्पाइसी नहीं कि आप ना खा सके, 2 आपके सामने टेबल पे रखे हुए, 3rd यहाँ पे बन रहा है, और इसकी रेसिपी मैं रिपीट करा रहा हूँ, मीठी टिकिया की, मीठी टिकिया जला उर्दू में करा रहा हूँ ताकि जिसने नहीं देखा होगा तो आप लोग समझ जाएंगे। मीठी टिकिया के लिए हमें क्या चाहिए, 1/2 कप दूध, ठीक है, 6 टेबल स्पून आपने ले लेना घी, ठीक है, 1/2 कप दूध, 6 टेबल स्पून घी,
और हाफ कप आपने ले लेनी है चीनी, ठीक है। इस तीनों चीज़ों को अच्छी तरह डिसॉल्व करें दूध के अंदर, अच्छी तरह तीनों चीज़ों को इतना मिक्स करें कि बिल्कुल क्रीमी सा बन जाएगा, साइड में रख दें, ठीक है। फिर 2 कप आपने मैदा लेना है, 1/4 कप आपने सूजी लेनी है, ठीक है। 1/2 कप पिसा हुआ नारियल लेना है और 1/2 कप या 6 टेबल स्पून तिल, 6 टेबल स्पून तिल ले लें, 1/2 कप पिसा हुआ नारियल ले लें, उसके साथ इलायची का पाउडर ले लें 1 चाय का चम्मच, ठीक है। 2 कप मैदा, 1/4 कप आपने सूजी लेनी, सब चीज़ों को मिक्स करें। मिक्स करने के बाद जो आपने 1/2 कप दूध, 1/2 कप चीनी और 6 टेबल स्पून घी को अच्छी तरह मिक्स किया था, उस लिक्विड से आपने इसको गूंदना है, ठीक है। मैदे के मिक्सचर को गूंद के अच्छी तरह मिक्स करके गूंद के घी का हाथ लगा के रख दें 15 मिनट। उसके बाद इसको बेलें, थोड़ी मोटे साइज़ में रोटी होनी चाहिए। उसके बाद कटर से या ग्लास स्टील का लेके उससे आपने सारी टिक्कियाँ काटते जाना है और उसको रखते जाएं, फिर उसको आटा जितना उठा के फिर बेलते जाएं। इस तरह बहुत सारी टिक्कियाँ आपकी बन जाएंगी, 20 बन जाएंगी, 18 से 20 इस क्वांटिटी में। ज़्यादा बनानी है उसको आपने डबल करना है। और फिर ऑयल या घी मैंने गर्म किया था, शारजा कुकिंग ऑयल, इतना गर्म करके उसमें डीप फ्राई हो, टिक्कियाँ डाल के उसको डीप फ्राई करना है, लेकिन अपने स्पून नहीं चलाना 3-4 मिनट तक, ताकि वो अच्छी तरह हल्की मीडियम, पहले तेज करें आंच फिर मीडियम कर दें, क्योंकि वरना एकदम ऊपर से ब्राउन हो जाएगी, अंदर से सूजी और मैदा कच्चा रह जाएगा। मीडियम फ्लेम पे आपने इसको पकाना है, जब वो पक जाएंगी खुद ही आपको उसका कलर आएगा, पलटाएं और फिर उसको अंदर ही पकने दें, डीप फ्राई होती रहेंगी, गोल्डन ब्राउन होती रहेंगी, निकालते जाएं, ठीक है। यहाँ पे मज़ेदार हमारी रेसिपी, स्पून मैंने कहाँ कर दिया, ले गई उठा के खा लूँ। यहाँ पे जो मैंने तंदूरी मसाला डाला था चिकन में, ये हो गया हमारा तैयार चिकन। अब इसको थोड़ा सा ड्राई करना है, ठीक है। इनके थोड़ा ड्राई करना सी, हाणे इनमें विझंदासी शिमला मिर्च, ठीक है। इसमें मैं डाल रहा हूँ शिमला मिर्च, जूलियन कटिंग किया हुआ, सिर्फ शिमला। हरी मिर्च डालना चाहें तो डाल दें, मैंने नहीं डाला, ठीक है। बिल्कुल सिंपल ये मज़ेदार रेसिपी, तंदूरी पास्ता। अच्छी तरह इसको फ्राई करने, पानी जब ड्राई होगा शिमला मिर्च डाल दी। शिमला मिर्च डालने के बाद अब हम यहाँ पर डाल देंगे जो पास्ता 1/2 पैकेट हमने रखा हुआ है बॉयल किया हुआ, ये इसके अंदर चला जाएगा, ठीक है। तंदूरी मसाले में बना सकते हैं, चिकन टिक्का मसाले में बना सकते हैं। तंदूरी मसाले में रेडिश टोन आ जाती है, तंदूरी फ्लेवर आता है। स्मोक देना चाहें तो पहले स्मोक दें, उसके बाद आपने पास्ता डाल के इसमें मिक्स करना है, ठीक है। ये हो गया, इसको मिक्स करके इसको भी 2 मिनट के बाद डिश आउट कर देंगे। हरी प्याज है थोड़ी, वो डालेंगे और हरा धनिया थोड़ा सा, ठीक है। हेयर साइंस थी भाई तंदूरी पास्ता, बिल्कुल मज़ेदार सिंपल तंदूरी पास्ता। स्पाइसी करना चाहें तो कुटी हुई लाल मिर्च इसमें ऊपर से आप डाल सकती हैं, लेकिन ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बस ये काफ़ी है। सर जी, मिसेस जमील है कराची से, असलम जलील जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अरे भाई, ये जो है आपकी बड़ी अच्छी तरकीबें आ रही हैं माशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये कि बड़ी आसान आपकी होती है। थैंक यू जी जी। और आपको बताऊं, आई एम अ सीनियर सिटीजन, लेकिन मुझे बहुत मजा आता है। चलें, बहुत अच्छी बात है। और ये इंशाल्लाह मैं आपके साथ कांटेक्ट में रहूंगी मैं, और जो आज ये आज वाली डिश जरूर बनाऊंगी। जरूर बनाइएगा। और आप अगर मेरे शो में आना चाहती हैं, अपनी कुकिंग करना चाहती हैं मेरे साथ, तो मोस्ट वेलकम, आप जरूर आए। हाँ नहीं, मैं आपके लिए बहुत सी दुआएं। ठीक है, थैंक यू, जज़ाकअल्लाह। आई विल ट्राई माय बेस्ट। थैंक यू वेरी मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, इसको स्टर फ्राई कर रहे हैं, ठीक है। देखें, अच्छी तरह इसको स्टर फ्राई करना है। अब हम इसमें डालेंगे क्या, इसमें डालेंगे हरा धनिया, ठीक है, और उसके साथ थोड़ा सा डाल देंगे इसमें हरी प्याज, बस और कुछ भी नहीं डाल। लेमन जूस डालना चाहें तो थोड़ा सा डालेंगे, मैं थोड़ा सा वाइट विनेगर डाल रहा हूँ, लेमन जूस नहीं है। अच्छो सिर को 1 चाय चम्मच, लास्ट में सफ़ा विझंदासी छाकाणा असां लेमन जूस मोट ना है, तां लेमन जूस थोड़ा सा विछजो, ठीक है। लेमन जूस डाल दीजिएगा 1 टीस्पून, और ये हो गया हमारा तंदूरी पास्ता डन। इसे करते हैं डिश आउट। आप इसमें एडिशन कर सकते हैं वेजिटेबल्स की, इसमें आप कोई भी वेजिटेबल अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं, बटर डालना चाहें कुछ भी, मैंने कुछ नहीं डालना, जस्ट ये तंदूरी पास्ता मैंने बनाया है, तो बहुत ही मज़ेदार। तीनों रेसिपीज़ आपके सामने में बनाई और तीनों रेसिपीज़ मैं रिपीट करा रहा हूँ, ठीक है। ट्राई रेसिपीज़ रिपीट कराएं तो काश ये समझना चाहिए था, इनमें नोट का जो। अच्छा, ये दावत में जैसे रुखसाना जैदी ने कहा
के घर में दावत होती है तो ज़रूर इस तरह की रेसिपी, खाने तो हम बनाते हैं, ये भी रखा करें। बहुत से लोग लाइक करते हैं ये चीज़ें, आप इतनी महंगी भी नहीं पड़ती ये डिश आप बनाएं, और ये एक बॉल भी आप बना के हाफ पैकेट का रखें तो बहुत अच्छा लगता है दस्तरखान पे आपके, तो ये आप ज़रूर बनाएं। ठीक है, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक ठाक जी जी, तहाँ किया है, तहाँ तबियत किया है जी। हाँ सर, वो ठहरा रहा थे वरी विच में, आप तो ही बोलते हो। अच्छा अच्छा, हाँ किए रहे हो। क्या खाया था होता? माँ पास्ता ठाया है, वाइट सॉस में ठाया हुआ पास्ता, तंदूरी पास्ता ठाया हुआ है, चिकन वेजिटेबल पास्ता ठाया हुआ है। अच्छा, जब सुबह रिपीट हल दो जी, सुबह जो रिपीट हलन दो 11 लगे। हाँ पर सर रिपीट के साथ बाहर यहाँ टीवी खोले जी। बिल्कुल, जिसे जो सुबह जो रिपीट में कोई फरमाइश करनी है तो बुधाई चलो। हाँ फरमाइश करनी है का ही बुधायो। बिल्कुल ये हो गया वाइट पास्ता, एक हो गया तंदूरी पास्ता, ठीक है, और एक मैंने बनाया है चिकन वेजिटेबल पास्ता। अली भाई नहीं, मुझे ये बता दें, टाइम है तो मैं रिपीट करा दूं। ठीक है, मैं रेसिपी रिपीट करा रहा हूँ। वाइट पास्ता वाइट सॉस में बनाया, पास्ता हाफ पैकेट बॉयल कर दें, बॉयल करने के बाद उसको छन्नी में डाल दें, ऊपर से ठंडा पानी निकाल दें, फिर आपने कुकिंग ऑयल 2 टेबलस्पून ला के मिक्सअप करें ताकि वो चिपकेंगी नहीं। इसके बाद आपने क्या करना है, 2 टेबलस्पून बटर, 1 टेबलस्पून मैदा लेना है, फ्राइंग पैन में हल्की आँच पर उसको भूनें, उसके बाद 1 पाव पूरा दूध डाल के आधा आधा करके उसको अच्छी तरह विस्क करें ताकि उससे अच्छा सा टेक्सचर आएगा और वो क्रीमी सा सॉस बनेगा। उसके बाद कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, काली मिर्च कुटी हुई 1/2 टीस्पून, सॉल्ट आपने डाल देना है 1/2 टीस्पून, चिकन पाउडर 2 टीस्पून डाल के उसको अच्छी तरह मिक्स करें। पास्ता में फिर सॉस में आपने चिकन डालना है बॉयल किया हुआ 1 कप जितना, ठीक है, वो डालने के बाद आप इसमें डाल दें पास्ता जो बॉयल किया हुआ है, उसको अच्छी तरह मिक्स करें, हरी प्याज डाल दें, ओरिगानो डालना चाहें वो डाल दें, चीज़ डालना चाहें कश करके 1/2 कप चीज़ डाल दें, लेकिन मैंने चीज़ नहीं डाला, मिक्सअप करके इसको निकाल दें, बच्चों के लिए अपने लिए गेस्ट आते हैं उनके लिए बनाएं। मिक्स वेजिटेबल चिकन वेजिटेबल, अच्छा वेजिटेबल पास्ता जिला वेजिटेबल पास्ता जो मैंने बनाया चिकन वेजिटेबल पास्ता के लिए भी सेम उसी तरह बॉयल करना है। फिर आपने क्या करना है, एक बॉल में 1 पाव चिकन लेनी है, उसमें आपने पीसी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1/2 चाय का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 चाय का चम्मच, नमक 1/2 चाय का चम्मच और अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चम्मच। उसके बाद आपने क्या करना है, सोया सॉस 2 चाय के चम्मच, सफ़ेद सिरका 2 चाय के चम्मच और चिली सॉस 1 चाय का चम्मच डाल के अच्छी तरह मैरिनेट करके फिर आपने ऑयल डालना है 3 टेबलस्पून, इसको फ्राइंग पैन में डाल के अच्छी तरह फ्राई करें। फ्राई करने के बाद 1/2 कप या 1 कप बंद गोभी, उसी क्वांटिटी में गाजर डालनी जूलियन कटिंग की, उसको थोड़ा 2 मिनट स्टर फ्राई करके शिमला मिर्च डाल दें। शिमला मिर्च डालने के बाद केचप 1/2 कप डाल के मिक्स करें, बॉयल पास्ता डाल दें 2 मिनट, उसको मिक्स करके कवर करना है तो 2 मिनट के लिए करें, हरी प्याज डाल के हरा धनिया डाल के इसको मिक्स करके डिश आउट कर लें। और ये थर्ड जो पास्ता मैंने बनाया है इसके लिए हमने लेना है सेम उसी तरह 1/2 पैकेट बॉयल किया, उसके बाद आपने मैरिनेट करना है 1 पाव से 1.5 पाव चिकन को, तंदूरी चिकन तंदूरी मसाला मिल जाता है 2 से 3 टेबल स्पून डाल देना है वो, 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डाल दें, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून डाल के इसको मिक्स करें, 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल डाला, मिक्स करके इसको भी फ्राई करना, पहले आपने इसको मिक्स करके रख देना, फिर आपने 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल गर्म करना है, 1 मीडियम साइज का प्याज ऑमलेट की तरह चॉप करके उसको फ्राई करना है, उसके बाद आपने चिकन डालना है, चिकन को डाल के 2 मिनट फ्राई करें, फिर 3 से 4 टेबलस्पून पानी डाल के कवर करें, चिकन टेंडर हो जाएगा, नरम हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, इसमें शिमला मिर्च डाल देना है, शिमला मिर्च जूलियन कटिंग करके थोड़ी सी मैंने डाली थी, मिक्स किया, फिर जो पास्ता बॉयल किया हुआ था वो डाल दिया, उसको मिक्स किया, मिक्स करने के बाद अच्छी तरह मिक्सअप करने के बाद लेमन जूस डाल दें उसमें 1 टीस्पून और उसको अच्छा सा मिक्स करके हरा धनिया हरी प्याज के साथ कवर मिक्स करके डिश आउट कर दें। ठीक है, तीनों रेसिपीज ज़बरदस्त मैंने आपके लिए बनाई हैं और बच्चों की भी बहुत फरमाइश थी, गर्ल्स की भी बहुत फरमाइश थी, तो ये खाते हैं बच्चे, कॉलेज भी आप ले जा सकती हैं। ठीक है, ये 3 रेसिपीज था कॉलेज जिला स्कूल जिला बारन के शाम जो भी ठाई दे सको तो साफ़ सुथरी 12 का मटन का बैकेट का बेहतर है पान, ये सब ठाओ मज़ेदार रेसिपीज, सुबह 11 लगे रिपीट हंधो। ठीक है, कल 11 बजे रिपीट चलेगा, कुकिंग विद शेफ ऐसा मेरा पेज है फेसबुक पे, वहाँ पे रेसिपी अपलोड हो जाएगी। कल क्या मीठा बनाया था, अच्छा मेरा टाइम नहीं है अब,
ठीक है, कल ये 11 बजे रिपीट चलेगा, कुकिंग विद शेफ एसएल मेरा पेज वन रेसिपी अपलोड हो जाएगी। वीडियो देखने के लिए सर्च करें सिन टीवी एचडी कुकिंग शो, या कुकिंग विद फैसल भी आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे, आपको मेरी रेसिपीज मिल जाएंगी। उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को आप वो क्लिक करें, और उसके बाद आपको रेसिपीज की अपडेट मिलती रहेगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीक बहुत सारी फरमाइशें, फिश के कोफ्ते खासकर फरमाइश आ रही थी वो बनाऊंगा, और भी आपकी कोई फरमाइश होगी तो पेज पर कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात होगी। सुभाणे 11 लगे रिपीट न दो, कुकिंग विद शेफ फैसल जो पेज है उते रेसिपी अपलोड थी वेंदी। वीडियो ॾिसण लाइ सर्च कयो यूट्यूब ते कुकिंग विद फैसल, या सिन टीवी एचडी कुकिंग शो सर्च कंदो, उनखे भी लाइक कंदा कयो ऐं सब्सक्राइब कंदा कयो, ताकि तव्हांखे रेसिपीज जी अपडेट मिलंदी रहंदी। पंहिंजो खोड़ सारो ख़्याल रखिजो, नेक्स्ट वीक तव्हां सां मुलाक़ात थींदी, दुआऊं में रखिजो। अलाह। हाणे कुकिंग विद फैसल जा तमाम शो ॾिसो एचडी क्वालिटी में। विज़िट करियो असांजो यूट्यूब चैनल सिन टीवी एचडी कुकिंग शो।